आज हमारा टॉपिक है डिसमॉर्फिज्म। डिसमॉर्फिज्म का मतलब है समथिंग दैट हैज़ एन अबनॉर्मैलिटी इन फिजिकल अपीयरेंस। ओके, सो सम फिजिकल अपीयरेंसेस कुड बी नॉट नॉर्मल। जब हम किसी को देखें, किसी बच्चे को या किसी अडल्ट को भी हो सकता है, जब हम देखें तो हमें ऐसा लगता है कि उनके फिजिकल फीचर्स में उनके किसी भी फिजिकल फीचर्स, इट कुड बी फेस, इट कुड बी हैंड्स, इट कुड बी एनीथिंग, उसमें कुछ ऐसा है जो हम नॉर्मली नहीं देखते हैं, जिसको हम अबनॉर्मैलिटी कह सकते हैं। सो दैट टाइप ऑफ फैक्टर या दैट टाइप ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड एज डिसमॉर्फिज्म। ओके, सो डिसमॉर्फिज्म जो है वो कंजेनाइटल है। उसमें स्ट्रक्चरल डिसमॉर्फिज्म भी हो सकता है, मतलब एनीथिंग दैट हैज़ ग्रोन टू बी इन एन अबनॉर्मल वे, नॉर्मल नहीं, कुछ और शेप में है, या फिर डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो सकता है कि डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। ओके, तो ये दोनों चीज़ स्ट्रक्चर से, ये दोनों चीज़ फिजिकल अपीयरेंस से ही रिलेटेड है। या तो स्ट्रक्चर अबनॉर्मल हो गया है, या फिर अबनॉर्मैलिटी हमें लग रही है क्योंकि कोई चीज़ डेवलप ही ठीक से नहीं हुआ है। ओके, सो यूजली अकरिंग ड्यू टू द अबनॉर्मल एम्ब्रियोजेनेसिस और मॉर्फोजेनेसिस। नाउ व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस? एम्ब्रियोजेनेसिस इज व्हेन एन एग फ्यूज विद द स्पर्म, दे फॉर्म अ जाइगोट, देन दैट जाइगोट अंडरगोज द माइटोटिक डिविजन्स, देन दे फॉर्म रेप्लिकास ऑफ द सेम सेल्स। ये सारा जो फॉर्मेशन है दैट इज माइटोसिस। उसमें कहीं पर भी शेप स्ट्रक्चर्स डिफाइन नहीं होते हैं। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग दैट इज आफ्टर द एम्ब्रियोजेनेसिस, दैट इज मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस वो फेस है जहाँ पे सेल्स डिफ्रेंशिएट होते हैं, जहां पे टिश्यूज को अपना, सेल्स टिश्यूज को अपना एक क्लस्टर मिलता है, वहां पे वो शेप बनते हैं, कौन सा सेल कहां पे होना चाहिए, ये सारे जो लोकेशन स्पेसिफिकेशंस हैं ये मॉर्फोलॉजी के दौरान होता है, मॉर्फोजेनेसिस के दौरान होता है। सो बेसिकली हम ये समझते हैं कि डिसमॉर्फिज्म जो है इट मेनली अकर्स बिकॉज ऑफ एनी अबनॉर्मैलिटी इन दी मॉर्फोजेनेसिस, लेस ड्यू टू द एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, सो डिसमॉर्फिज्म अगर हम बात करें तो हम जितने भी इंसिडेंसेस देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि मेजर डिसमॉर्फिज्म्स भी होते हैं और माइनर डिसमॉर्फिज्म्स भी होते हैं। मेजर डिसमॉर्फिज्म्स अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 or 4% ऑफ द कॉमन पॉपुलेशन, जिसमें बहुत बड़े लेवल पे अबनॉर्मैलिटीज प्रेजेंट होते हैं, फिजिकल भी और इंटरनल स्ट्रक्चर या फंक्शंस में भी। एंड उसी के साथ साथ जो मोर्टैलिटी रेट है या लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत कम होती है। ओके, अगर हम बात करें माइनर डिसमॉर्फिज्म की, तो माइनर डिसमॉर्फिज्म जैसे कहीं पर कोई किसी भी बॉडी पार्ट में, स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन हो जाना, स्किन टैग्स होना, या कुछ ऐसा स्किन टैग या ब्लैक स्पॉट्स टाइप दिखना, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे माइनर डिसमॉर्फिज्म्स में। एंड दे डोंट हैव बेसिकली अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन। ओके, सो एंड साथ ही साथ इनका जो मोर्टैलिटी रेट है या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल बेबी और नॉर्मल पर्सन। अब अगर हम बात करें कि क्या कारण हो सकते हैं डिसमॉर्फिज्म के या मॉर्फोजेनेसिस के दौरान क्या ऐसी अबनॉर्मैलिटीज़, ये जो अबनॉर्मैलिटीज़ हैं वो कैसे कॉज हो सकती हैं, तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि इट कुड बी बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द अबनॉर्मल जीन फ्रॉम एनी ऑफ द वन पेरेंट और बोथ द पेरेंट, हेरिडिटरी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई भी एक या दो जीन्स जो हैं या दो से ज़्यादा जीन्स जो हैं, इट कुड हैव गॉट न्यूली म्यूटेटेड। हमेशा जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हेरिडिटरी होना, दिस दैट्स नॉट कंपल्सरी। समटाइम्स इट हैपन्स कि फैमिली में कोई एक डिसऑर्डर नहीं है और अचानक से एक बेबी में वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाए। सो बेबी में ही नहीं, इट कुड हैपन आफ्टर सर्टेन टाइम इन द लाइफ, किसी अडल्ट को पहली बार आ जाए, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ अ न्यू म्यूटेशन। जीन्स कैन गेट चेंज्ड अबनॉर्मली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज टेरेटोजेंस। टेरेटोजेंस का मतलब है कोई भी चीज़ जो, कोई भी फैक्टर जो म्यूटेशन कॉज करती हैं या जो डिसमॉर्फिज्म कॉज करती हैं, उसको हमने टेरेटोजेंस कहा है। सो टेरेटोजेंस में कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम, जैसे फर्स्ट फैक्टर हो गया कि मदर की डाइट्री डेफिशिएंसी का कारण हो सकता है। जैसे अगर मदर फॉलिक एसिड ठीक से नहीं लेती थी या मदर की बॉडी में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी थी, तो होने वाले बेबी में स्पाइना बाइफिडा का रिस्क बढ़ जाता है।
या मदर कोई टॉक्सिन्स इंजेस्ट कर रही थी, जैसे अल्कोहल हो गया या फिर कोई और सब्सटेंसेस हो गए या फिर प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस भी अगर उनको हार्म कर गया या कोई इलीगल ड्रग्स वो ले रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है. इट कुड बी बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस, बेसिकली सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या टॉर्च वगैरह की वजह से. सो दिस कुड बी थिंग. ओके, एंड काफ़ी टाइम्स में हम देखते हैं डिसमॉर्फिज्म वाले बच्चों में कि देर इज़ नो अल्टीमेट वन कॉज जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है. द कॉज कुड बी अननोन इन मेनी ऑफ द इंसिडेंसेस, जिसको हम कहते हैं इडियोपैथिक. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कॉमन डिसमॉर्फिक सिंड्रोम्स. सो यहाँ पे हम कुछ सिंड्रोम्स को लेके बात कर रहे हैं. देर आर मेनी डिसमॉर्फिजम्स इन द पॉपुलेशन. हम सबके बारे में डिस्कस ना करते हुए कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स और उनके कुछ एग्जांपल्स को लेके बात कर रहे हैं. जैसे हम देखते हैं क्रेनियोफेशियल डिसमॉर्फिज्म. क्रेनियम और फेशियल इन्वॉल्व्ड जो स्ट्रक्चरल अबनॉर्मैलिटी या फिजिकल अबनॉर्मैलिटी है उसका एक एग्जांपल हम लेते हैं मोबियस सिंड्रोम. मोबियस सिंड्रोम में इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर वेर द क्रेनियल नर्व्स आर नॉट इन अ हेल्दी कंडीशन. ओके, स्पेसिफिकली अगर मोबियस सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो फेशियल जो नर्व होते हैं उनमें पैरालिसिस हो जाता है, जो फेशियल स्ट्रक्चर्स को सप्लाई होता है. तो उस वजह से फेशियल पैरालिसिस होने के या फिर फेशियल जो फीचर्स हैं उनमें डिफरेंसेस आने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर फेशियल नर्व्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं या फेशियल पैरालिसिस है तो आप समझ सकते हैं कि फेस कैन लुक डिफरेंट. ओके, सो दैट इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ द क्रेनियोफेशियल डिसमॉर्फिज्म. द नेक्स्ट थिंग इज़ फिजिकल ओवरग्रोथ. अगर आप फिजिकली ओवरग्रोथ देखते हैं जिसकी वजह से आपको डिसमॉर्फिज्म लगता है तो उसका एक एग्जाम्पल है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम. नाउ What is this fragile X syndrome? Fragile X syndrome is a X-linked dominant disorder. Dominant disorder का मतलब किसी एक क्रोमोजोम पे ये abnormal, किसी एक क्रोमोजोम मतलब किसी एक X पे. ओके, अगर मेल हैं तो ऑटोमेटिकली दे ओनली हैव वन X. अगर फीमेल भी हैं तो दो X होने के बावजूद भी किसी एक X पे भी abnormal जीन काफ़ी होता है टू एक्सप्रेस दिस डिसऑर्डर. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड एज एन X-linked dominant disorder. सो वॉट हैपन्स इन फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम इज कि CGG जो DNA बेस पेयर होता है उसका, ये जो ट्रिपलेट है उसका रिपीटेड एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाए जिसकी वजह से कुछ अबनॉर्मैलिटीज हो जाएँ. सो दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम. नाउ वॉट हैपन्स इन फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम इज कि द पर्सन हैज़ अ लॉन्ग फेस, फ्लेक्सिबल फिंगर्स, ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं जो हम देखते हैं इन द फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम. ओके, देन CNS एंड न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स. उसमें हम बात करते हैं, उसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं प्रैडर-विलाय सिंड्रोम की. जो प्रैडर-विलाय सिंड्रोम है ये बेसिकली जो क्रोमोसोम नंबर 15 होता है उसमें कुछ पार्ट डिलीट हो जाते हैं. क्रोमोसोम एलिब्रेशन में हमने पढ़ा है डिलीशन के बारे में, तो एक पार्ट का क्रोमोसोम नंबर 15 में डिलीट हो जाना दैट कॉजेज मेनली द प्रैडर-विलाय सिंड्रोम. यहाँ पे क्या होता है कि दी मसल्स बिकम वेरी वीक, द डेवलपमेंट इज़ वेरी स्लो, बॉडी हैज़ अबनॉर्मल ओबिसिटी और उसी के साथ साथ जो हाइट होता है वो बहुत शॉर्ट होता है. ऐसे कुछ फीचर्स हम देखते हैं जिससे हमें लगता है कि दिस इज़ अ डिसमॉर्फिक कंडीशन. ओके, अगर हम बात करें क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटीज़ की, यहाँ पे हम न्यूमरोलॉजिकल अबनॉर्मैलिटी की बात कर रहे हैं. सो स्ट्रक्चरल अबनॉर्मैलिटी के बारे में हमने यहाँ पे ऑलरेडी बात किया डिलीशन में. अगर हम न्यूमेरिकल एब्रेशंस की अगर हम बात करें तो ट्राइजोमी हो सकता है. तो ट्राइजोमी में एक ट्राइजोमी हम बात कर रहे हैं ट्राइजोमी 21, जहाँ पे 21st क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा अटैच हो जाता है, जिसको हम बेसिकली डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं. और हम जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम में there are many dysmorphic features that we see, जैसे जो skull है या back of the head जो है वो flat होना, flat facial features का होना, epicanthial folds होना, ear का folded होना, हैंड में अगर हम देखते हैं तो सीमियन क्रीसेस होना, ये सारी चीज़ें जो हैं. अगर हम पैरों की तरफ देखें तो फर्स्ट टू टोज़ या पैरों के फर्स्ट टू जो उंगलियां होती हैं उसके बीच में बहुत स्पेस होना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिजिकल डिसमॉर्फिज्म हैं. सो दैट कुड हैपन बिकॉज ऑफ एनी न्यूमेरिकल अबनॉर्मैलिटीज ऑल्सो. ओके, सो दिस इज़ सम ऑफ द कॉमन डिसमॉर्फिक सिंड्रोम्स. नाउ वी विल सी कि व्हाट कुड बी डन टू डायग्नोज ऑल दिस. ओके, सो जेनेटिकल टेस्टिंग एंड सिंड्रोम स्क्रीनिंग्स में हम देखते हैं कि थोरो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है ये देखने के लिए कि व्हाट आर दी
फिजिकल डिसमॉर्फिज्म्स या व्हाट आर दी फीचर्स जो हमें लग रहा है कि इट इज़ नॉट नॉर्मली सीन. ओके, उसके अलावा बच्चे का ब्लड बायोकेमिस्ट्री कराया जा सकता है ये देखने के लिए कि किसी भी तरीके से किसी भी एक फैक्टर का इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं है. मॉलिकुलर जेनेटिक टेस्टिंग की जा सकती है जिसमें डायरेक्ट डीएनए टेस्टिंग किया जाता है टू सी फॉर एनी टाइप ऑफ अबनॉर्मैलिटीज. नेक्स्ट है फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडेशन. सो जो हाइब्रिडेशन है उसको हम फिश कहते हैं, फिश के नाम से जानते हैं. सो इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादा सक्सेसफुल तब माना जाता है जब हम ऑलरेडी किसी एक क्रोमोसोम को सस्पेक्ट कर रहे हैं और उस क्रोमोसोम के डीएनए स्ट्रैंड का एक जो कॉपी है वो अगर किसी के, अगर रिसर्चर के पास ऑलरेडी लैब में अवेलेबल हैं तो उस डीएनए को, डीएनए या आरएनए के सिंगल स्ट्रैंड को प्रोब कहा जाता है, जिसको लिया जाता है और जिसके एंड में एक फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल अटैच कर दिया जाता है. देन जो जीन या क्रोमोसोम जो लिया जा रहा है पेशेंट की बॉडी से, उसको लिया जाता है तो उसे ग्लास लाइट पे रखकर इसके साथ हाइब्रिड करने के लिए छोड़ा जाता है. तो क्योंकि ये आइडेंटिकल होंगे तो ये एक दूसरे के साथ जो हाईएस्ट एफिनिटी पॉइंट है उसमें जाके ये दो, जो हमने डीएनए रखा है और जो पेशेंट का डीएनए है, वो किसी ना किसी एक पॉइंट पे मोस्ट प्रोबेबली गेट जॉइंड. एंड ये जॉइन होगा तो इट विल गेट हाइब्रिडाइज्ड. एंड हाइब्रिडाइजेशन के बाद इट इज़ वेरी ईजी, क्योंकि फिर हम जब इसे माइक्रोस्कोप के अंडर विजुलाइज करते हैं तो क्योंकि इस पर ऑलरेडी ये फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल अटैच्ड है इसलिए ये बहुत क्लियरली नज़र आता है. सो वी कैन गेट द इंडिकेशन कि कहाँ पर प्रॉब्लम है. दैट टाइप ऑफ टेक्निक इज कॉल्ड एज फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन. ओके, इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाता है मदर का, बेबी में भी किया जा सकता है. अगर ये जानना है कि क्या प्रॉब्लम है तो मदर या बेबी किसी का भी. ओके, देन इकोकार्डियोग्राफी किया जा सकता है. ये सारी चीज़ें अगर हम किसी पर्सन के लिए बात करें जिन्हें ऑलरेडी डिसमॉर्फिज्म है तो हम उनके प्रॉब्लम्स को जानने के लिए ये सारे टेस्ट करा सकते हैं तो सी फॉर व्हाट आर दी इंटरनल प्रॉब्लम्स दे आर हैविंग. सो यूएसजी हो गया, इकोकार्डियोग्राफी हो गया, ईसीजी हो गया, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं टू सी की क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए हम कोई थेरेपीज दे सकते हैं. कई ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम डिसमॉर्फिज्म में पढ़ रहे हैं जिनमें कोई भी अभी तक हमारे पास मैनेजमेंट अवेलेबल नहीं है या हम कुछ कर नहीं सकते हैं या कोई सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. कुछ ऐसे कंडीशंस भी होते हैं जिसमें सर्जरीज परफॉर्म की जा सकती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है. डाउन सिंड्रोम में द पर्सन हैज़ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या द पर्सन हैज़ कॉन्जेनाइटल अबनॉर्मैलिटीज रिलेटेड टू द कार्डियक सिस्टम. ओके, सो उस कंडीशन में सर्जरीज कर हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं. सो द मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ द डिसमॉर्फिज्म, वो डिसमॉर्फिज्म किस जेनेटिकल रीज़न की वजह से हो रहा है एंड उसका मैनेजमेंट हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिसमॉर्फिज्म. आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.